पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर में एक कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों ने सरकारी डॉक्टर के घर हल्ला बोल दिया। आरोप है कि डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई, लेकिन विधायक का कहना है कि डॉक्टर के आरोप गलत हैं, बात कुछ और है। ये कहानी है एक डॉक्टर की, एक विधायक की और एक ऐसे सिस्टम की जिसे सिर्फ यूपी के बस्ती में नहीं देश के किसी भी हिस्से में पाया जा सकता है। यहाँ के मेरे पति को, मुझको, मेरे बच्चे को, इसको, सबको मार के गए हैं, मेरे घर में लूट मचा के गए हैं। ये है डॉक्टर सुनील तिवारी और ये उनकी पत्नी डॉक्टर शालू तिवारी। डॉक्टर सुनील बस्ती के ओपेक गैली सरकारी अस्पताल में काम करते हैं। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस विधायक की सिफारिश लेकर आए शख्स की बात सुनने से मना कर दिया, जिसका अंजाम इस रूप में सामने आया। एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि जो है हम विधायक के जानने वाले हैं। मैंने कहा भाई आपके पास ओपीडी कार्ड के अलावा और कोई चीज तो है कि अगर आप विधायक के आदमी हो तो आप अपना विधायक का पर्चा लेके आइए। तो फिर वो आदमी वहाँ पे रहा, वो बार बार फोन करा था कि आप विधायक से बात करो। मैंने कहा कि आप डायरेक्टर से, विधायक से कहिए डायरेक्टर से बात कर ले, डायरेक्टर कहेंगे तो फिर हम देख लेंगे। अब मिलिए रुथौली के विधायक संजय जायसवाल और उनके समर्थकों से। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये लोग किस रॉक के साथ डॉक्टर तिवारी के घर चढ़ाए हैं। डॉक्टर की हत्या चल रही है। नेताजी तो वहीं सड़क पर डॉक्टर के खिलाफ धरने पर बैठ गए। लोगों को बताया कि ये डॉक्टर अस्पताल छोड़कर घर में मरीज देखा है, वो तो इसी बारे में बात करने आए थे, लेकिन डॉक्टर के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। हम चले वहाँ से तो उनके कुछ लोग यहाँ आ गए, रास्ते में गाड़ी रोक के खड़े हो गए। उसके बाद वो सब लामबंद हो गए। लामबंद होने के बाद बदतमीजी की डंडा उठाया, उनके जो डॉक्टर था तिवारी उसने मारपीट की मेरे सर, हाथ उठाया। अब बात प्रशासन तक पहुंच गई है, लिहाजा मुद्दा डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ हुई बदसलूकी से हटकर प्राइवेट प्रैक्टिस पर सिमट आया है। मेरे जो प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में जो चर्चा हो गई है, जो कंप्लेंट है, इसके खिलाफ इसके बारे में एक स्पेसिफिक जांच होगा। आज जो हुआ है, प्राइवेट प्रैक्टिस हुआ है या नहीं, उसमें स्पेसिफिक जांच होगा। तो मरीज देखने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा आगे चलकर दूसरे मुद्दे में तब्दील हो गया। यही हंगामा किसी और ने किया होगा तो उस पर सरकारी काम में दखल का इल्जाम लगता, लेकिन यहाँ मामला है एक विधायक का। अब आप ही फैसला कर लीजिए कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। बस्ती से मजर आजाद के साथ आज तक ब्यूरो।